और बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बड़ी खबर हरियाणा से आ रहा है। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विस्तार में नए चेहरों को मौका दिया है। बड़ी खबर हरियाणा से, मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता ने शपथ ली। फरीदाबाद के बटखल से विधायक सीमा त्रिखा भी मंत्री बनी है। बड़ी खबर हरियाणा से, नायब सैनी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विस्तार में नए चेहरों को मौका दिया है। फरीदाबाद के बटखल से विधायक सीमा त्रिखा भी मंत्री बनी है। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता ने शपथ ली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता हरविंदर। हरविंदर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, हरियाणा विस्तार की खबर ये सामने आई है, जिसमें करीब 7 जो नए मंत्री हैं उन्हें यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। और इससे पहले जो है एक मंत्रिमंडल में जो है विस्तार हुआ था। और बीजेपी की अगर बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर आज डॉक्टर जो कमल गुप्ता है उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सीमा त्रिखा है उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। महिपाल ढांडा की बात करें राज्य मंत्री बनाया गया है। असीम गोयल है राज्य मंत्री बनाया गया है। अभय सिंह यादव है विधायक है, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इनको पहली बार मंत्री बनाया गया है। सुभाष सुधा को मंत्री बनाया गया है। विशंबर वाल्मीकि को राज्य मंत्री बनाया गया है और संजय सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज यहाँ पर निकल के सामने आती है कि मनोहर सरकार के जो 4 मंत्री है उनकी यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात, अनिल विज को मंत्री पद से दी गई है। ओम प्रकाश यादव थे, नारोल से विधायक थे, उनकी यहाँ पर छुट्टी कर दी। कमलेश ढांडा को यहाँ पर मंत्री पद से हटा दिया गया है। वहीं संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे उनको भी मंत्री पद से हटा दिया है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो चीजें सामने निकल के आई, आज अगर हम बात करें सैनी जो सरकार हरियाणा में चल रही है उसके अंदर करीब 13 मंत्री जो है वो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो नए मंत्री हैं जिनको आज शपथ दिलाई गई थी, दूसरा कैबिनेट विस्तार में इसे कहूंगा क्योंकि पहले एक शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और आज ये दूसरा शपथ ग्रहण समारोह था। अगर पिछले शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो वहाँ पे कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाए गए थे। कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया था, मूलचंद शर्मा को, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल और कमल गुप्ता, इन जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वहाँ पे शपथ दिलाई गई थी। लेकिन जो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें कुछ चीजें बड़ी निकल के कि 4 जो मंत्री हैं उनकी छुट्टी कर दी गई, अनिल विज को साइड में रखा गया, उनको हरविंदर हरविंदर कहीं ना कहीं अनिल विज का जो मामला है वो पहले भी देखा गया था। अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे और जब बैठक चल रही थी तब भी वो गुपचुप वहां से निकल लिए थे, तो कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने पर सस्पेंस तो बरकरार था। और आज ये साफ हो गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। जिस तरह से उन्हें जगह नहीं मिली है, क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ने वाला है? चीज को हमें साफ तौर पर पहले समझना होगा कि जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा में और एकदम से सरकार को बदला गया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी दिन से जो अनिल विज की नाराजगी है वो नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। क्योंकि जिस समय कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, चर्चा हो रही थी, उस समय अनिल विज जो मीटिंग है उसे छोड़कर बीच में चले गए थे। उनसे पूछा गया तो दोबारा से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें मनाने की कोशिश की। बीजेपी आलाकमान ने भी काफी बार उनसे फोन लाइन से भी संपर्क किया, इस बार की खबरें आ रही थी, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। उसके बाद भी पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम उन्हें मना रहे हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि नहीं, मैं बीजेपी का भक्त हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज हुआ उसको देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अनिल विज को साइड किया जा रहा है, पुराने मंत्रियों को हटाया जा रहा है, नए जो चेहरे हैं उन्हें साफ तौर पर तवज्जो दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय मंत्री जो राव इंद्रजीत है वो एक बड़ा चेहरा है, दक्षिण हरियाणा के अंदर अहिरवाल क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा है, उनको भी कहीं ना कहीं आज के मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर साफ तौर पर नकारा गया है। उनकी जो तवज्जो वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है कि उनका जो समर्थन है, जो उनके समर्थित जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों को कहीं भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। जबकि नांगल चौधरी से जो विधायक है वो उनके विरोधी गुट से माने जाते हैं और उन्हें यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, लोकसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी इस प्रकार का प्रयोग कर रही है तो कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। जी हरविंदर, क्या लगता है जिस तरह से खबरें पहले सामने आई थी कि मनोहर सरकार को जो है वहां से हटा दिया गया, मनोहर जी ने पहले इस्तीफा दे दिया, नए जो है सरकार बनाई गई और पहले जैसे कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी की मिली भगत है, लेकिन अब जो पुराने मंत्रियों को शामिल नहीं किया जा रहा है, इसे क्या कुछ कह सकते हैं कि नया चेंजेस कुछ होने वाला है?
भी चेंजेस को एक दूसरी चीज से हम साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं कि जब हरियाणा सरकार में जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे तो वो जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे थे, लेकिन आज जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह उसमें बड़ी चीज है जो शायद किसी को नजर नहीं आ रही, क्योंकि भाजपा ने जसपा से गठबंधन तोड़ने के बाद 6 निर्दलीय और एक हलोपा से विधायक है गोपाल कांडा उनके समर्थन में यहाँ पर सरकार बनाई थी जी। वहीं साफ तौर पर किसी भी निर्दलीय विधायक को यहाँ पर मंत्री पद नहीं दिया गया, और वहीं जो जूनियर महिला कोच जो सेक्सुअल हरासमेंट मामले में फंसे संदीप सिंह उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस गठबंधन से जिन लोगों के समर्थन से हरियाणा में सरकार खड़ी है उन लोगों में मंत्री नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो समर्थन देकर सरकार को चलाने का काम करे उनमें से शायद मुझे लग रहा था कि गोपाल कांडा को मंत्री बनाया जाएगा और काफी सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब निर्दलीय को कहीं भी नहीं बनाया गया। बीजेपी के सभी जो विधायक है उनमें से ही मंत्री बनाए गए, 13 विधायकों के साथ 14 मुख्यमंत्री अब हरियाणा के अंदर सरकार को चला रहे हैं जी। हरविंदर क्या कह सकते हैं कि पहले ही साफ तौर पर यह समझ में आ रहा था कि बीजेपी अकेले वहां सरकार चलाना चाहती है, और बीजेपी ये कह भी रही थी कि अकेले जो है वो हरियाणा में सरकार बना सकती है चला सकती है, तो कुछ ऐसे ही तस्वीर नजर आ रही है। नहीं, इन चीजों को हम आगामी चुनाव के लिए कहना अच्छी बात है, इन चीजों को देखा जा सकता है, लेकिन जहां पर पहली अगर सरकार की बात करें फर्स्ट फेज में जो सरकार चल रही थी भाजपा और जसपा के गठबंधन से चल रही थी, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री जो थे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर उनके सौजन्य से सरकार चल रही थी क्योंकि उनका समर्थन उन्हें था, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा गठबंधन टूटने के बाद जसपा से अलग होने के बाद हरियाणा में सरकार को अपना बहुमत पेश करना था, और बहुमत पेश करने के लिए 6 निर्दलीय और एक हलोपा के विधायक मैं पहले भी बता चुका हूँ गोपाल कांडा ने समर्थन दिया, और समर्थन के बाद हरियाणा में दोबारा से सैनी सरकार खड़ी हुई। लेकिन अब जब मंत्री पद दिए गए हैं तो किसी भी विधायक को स्थान नहीं दिया गया, निर्दलीय विधायकों को साइड में रखा गया, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि अब कुछ बच नहीं जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 13 जो मंत्री है वो शपथ यहाँ पर ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब कुछ नहीं बचा। निर्दलीय के पास क्या है, अगर ये कल को पलटी मारते हैं तो हरियाणा में सरकार गिरने का जो खतरा है वो हमेशा बरकरार रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंदर आपका।